नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक शाम को 7 बजे से हम लोग यूपीटी जीटी पीजीटी झारखंड की जीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर और यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में दोस्तों ऐसे प्रश्नों का भी समावेश किया जाता है जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है लाइव स्टडी इलाहाबाद मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अगर जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आपके इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए एप्लीकेशन पे ए टू जेड सारे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक और साधारण भाषा में आपको पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ एक जो महत्वपूर्ण स्टूडेंट की समस्या होती है वो ये होती है कि या तो नोट्स मिलते नहीं है या मिल भी जाते हैं तो समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो ए टू जेड इकोनॉमिक्स के कंप्लीट आपको नोट्स भी दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप टेस्ट दीजिए जिससे आप अपना इवेल्युएशन कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और अभी तक आप कितने तैयार हैं एग्जाम के लिए और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ प्रोवाइड कराना दोस्तों हमारी जिम्मेदारी है। और वैलिडिटी आप कोर्स लाइफ टाइम, अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो आगामी जितनी भी इकोनॉमिक्स की परीक्षाएं हैं जब भी नया बैच प्रारंभ होगा तो ऑटोमेटिकली आप ऐड हो जाएंगे, आपको अलग से कोई शुल्क जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस है केवल और केवल 2000 रुपये। तो 2000 रुपये आपको इस नंबर पे पेमेंट करने होंगे 9415868673 पे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना पड़ेगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। झारखंड पीजीटी पीजीटी का भी बिल्कुल नया बैच प्रारंभ हो चुका है दोस्तों, यहाँ पे भी आपको वीडियो क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और झारखंड स्पेशल सब कुछ कवर कराया जा रहा है, कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा है। तो बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एडमिशन की फीस 2000 रुपये, इस नंबर पे पेमेंट करके आप इसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। केवल अगर जो आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स चाहिए तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ इकोनॉमिक्स का नोट्स भी अवेलेबल है, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज तो सबके लिए कंपलसरी है। टेस्ट सभी लोग दीजिए ताकि आपको पता चल पाए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, तो अलग से टेस्ट भी ले सकते हैं। लेकिन अगर जो आप कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन करते हैं तो अलग से आपको टेस्ट सीरीज या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या आपको नोट्स अलग से कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट की क्लासेस में आपके सारी ये सारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल रहेंगे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए, पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि यदि किसी फर्म का मांग वक्र बाजार मांग वक्र से मेल खाता है तब वह फर्म कैसा होगा, बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल, थोड़ा सा सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, और कोई भाई बिल्कुल ठीक है, कुछ लोग डी भी बता रहे हैं। ईजी सी बात है भाई, इतनी गलतियां क्यों हो रही हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो भाई इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है क्या, एक छोटी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है क्या, एक छोटी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है क्या कि यदि किसी फर्म का मांग वक्र बाजार मांग वक्र से मेल खाता है तब। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो एकाधिकारी होता है वो क्या होता है, एक अकेला उत्पादक होता है, ठीक है। एकाधिकारी में क्या होता है, एकाधिकारी जो होता है वो क्या होता है, अकेला उत्पादक होता है कि नहीं होता है, एकाधिकारी जो होता है वो अकेला उत्पादक होता है। तो भैया जब ये अकेला उत्पादक है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऑप्शन नंबर अगेन जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो जब अकेला उत्पादन ये करता है या अकेला उत्पादक है तो ऐसी स्थिति में तो बाजार पे इसका पूर्ण नियंत्रण होगा ना, बाजार पे क्या होगा, पूर्ण नियंत्रण होगा ना। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर बी के तरफ जाना चाहिए था ना, तो यदि किसी फर्म का मांग वक्र बाजार मांग वक्र से मेल खाता है तब ये कैसा होगा दोस्तों, एकाधिकारी फर्म की बात होगी ना। बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सबका उत्तर ठीक है,
बी के तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, कमेंट करके बताइए कितने लोग बी से सहमत हैं। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। फर्म क्या होती है इसमें, एक अधिकारी होती है। तो यदि किसी फर्म का मांग पत्र बाजार मांग पत्र से मेल खाता है तो इसका मतलब यही है कि जो फर्म है वो एकाधिकारी है, क्योंकि एकाधिकार के अंतर्गत फर्म में अकेला एक उत्पादक होता है और इस उत्पादक का बाजार के कीमत पर क्या होता है, पूर्ण नियंत्रण होता है। जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न, अगर वस्तु बाजार में एकाधिकार और श्रम बाजार में क्रय अधिकार हो तो मजदूरी कैसी होगी। बढ़िया सा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। अगर वस्तु बाजार में एकाधिकार है और श्रम बाजार में क्रय अधिकार है, ठीक है, तो वस्तु बाजार में एकाधिकार मतलब क्या हो गया, फिर वही बात हो गई कि अकेला उत्पादक हो, ठीक है। एकाधिकार का मतलब ये होता है ना कि अकेला उत्पादक हो, इस प्रकार की कोई और वस्तु और उत्पादित ना। और श्रम बाजार में क्रय एकाधिकार, इट मीन्स कि श्रम बाजार में क्या, क्रय एकाधिकार मतलब यहाँ पे अकेले क्रेता की बात कर रहा है कि जो खरीदने वाला, विक्रेता तो बहुत सारे होंगे लेकिन खरीदेगा एक जो क्रेता होगा उसको पूर्ण आजादी होगी कि वो किस विक्रेता से प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं भैया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सी की तरफ बहुत सारे लोग मूव कर रहे हैं, और कोई सीमांत उत्पादकता के बराबर, देखिए प्रश्न कठिन है, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। यही तो स्थिति है जब श्रमिकों का शोषण होता है भैया, इस स्थिति में श्रमिकों का शोषण देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। ये इसी स्थिति में तो श्रमिकों का शोषण होता है जब श्रम बाजार में क्रय अधिकार हो और वस्तु बाजार में एकाधिकार हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ना कि जितने लोग भी सी बोल रहे हैं। सीमांत उत्पादकता के बराबर क्या होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होता है, सीमांत उत्पादकता के बराबर एक मजदूर को सीमांत मजदूरी दी जाती है। यहाँ पे श्रमिकों का शोषण नहीं होता है, लेकिन अगर जो सीमांत उत्पादकता से कम मजदूरी दी जा रही है यहाँ पे क्या हो रहा है, श्रमिकों का शोषण हो रहा है, ठीक है। श्रमिकों का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो अगर वस्तु बाजार में एकाधिकार, ठीक है, और श्रम बाजार में क्रय अधिकार है तो मजदूरी, जाहिर सी बात होगी, थोड़ी सी बात है कि सीमांत उत्पादकता से कम होगी क्योंकि यहाँ पे मजदूरों के क्या होगा, मजदूरों का शोषण होगा, छोटी सी बात थी, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या गलत है, इसमें से गलत कथन आपको बताने हैं, क्या उत्तर होगा, निम्न में से क्या गलत है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। जो लोग कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन नंबर एक में सीमांत आगम और औसत आगम बराबर होते हैं, ये किसकी प्रॉपर्टी है, एकाधिकार की है ना, एकाधिकार से सीमांत आगम और औसत आगम है, कि औसत आगम और एकाधिकार से सीमांत आगम है, चीजों को समझिए, ठीक है। तो क्या उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, कुछ लोग बी भी बता रहे हैं, गलत कथन पूछ रहा है, बहुत सारी गलतियां आज हो रही हैं, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। कुछ लोग डी बोल रहे हैं कि लगान हस्तांतरण आय के ऊपर प्राप्त होने वाला अतिरेक है, और कोई भाई, बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी गलतियां आ रही हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। रिकार्डो साहब, आपको पता होगा रिकार्डो साहब के बारे में, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि, अच्छा इसमें तो गलत पूछ रहा है ना, एक सेकेंड, इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्न में से क्या गलत है, गलत पूछ रहा है भाई, बिल्कुल। देखिए डी कैसे होगा, डी कैसे होगा, डी कैसे होगा, देखिए रिकार्डो साहब को यहाँ पे पढ़ना है क्योंकि लगान की बात हो रही है। तो रिकार्डो साहब क्या कहते हैं, रिकार्डो साहब कहते हैं कि जो लगान होता है भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के कारण प्रोवाइड कराया जाता है। लगान जो प्राप्त होता है वो क्यों प्राप्त होता है, भूमि की मौलिक
और अविनाशी शक्तियों के कारण लगान प्राप्त होता है, और इसी कारण जो लगान होता है वो हस्तांतरण आय के ऊपर प्राप्त होने वाला अतिरेक भी है। तो ये तो बात ठीक है, तो फिर डी क्यों कर रहे हैं? तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि खाद्यान्न आयात में लगान बढ़ने से रोकता है, नहीं भैया रोकता नहीं है, बिल्कुल ठीक है। खाद्यान्न जो होता है आयात में लगान बढ़ने से रोकेगा, क्यों रोकेगा भैया? बिल्कुल नहीं रोकेगा। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, लाभ पुरस्कार होता है, ये प्रश्न बहुत अच्छा सा है। लाभ पुरस्कार होता है, क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल, लाभ पुरस्कार होता है, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है। तो देखिए भैया एक बात समझिए, लाभ का निश्चितता सिद्धांत किसने दिया था? ये हार्ले साहब ने दिया था, ठीक है। हार्ले ने क्या कहा था? यही कहा था ना लाभ, यही कहा था ना हार्ले साहब ने, क्या कहा था कि एक जो व्यक्ति होता है वो इसलिए, एक जो उद्यमी होता है वो इसलिए लाभ कमाता है ताकि वो भविष्य में अनिश्चितताओं को उठाता है, और इसी अनिश्चितताओं को उठाने के परिणाम स्वरूप लाभ की प्राप्ति होती है। जोखिम बर्दाश्त करने की बात करते हैं, कौन करता है? नाइट साहब, ठीक है। नाइट साहब क्या करते हैं, कहते हैं, कहते हैं कि भैया एक जो उद्यमी होता है जो भविष्य में वो जोखिम देखता है और उसी जोखिम के प्रतिफल के रूप में उसे लाभ की प्राप्ति होती है। गैर बीमा योग्य जोखिम की बात यही तो करते हैं ना। उसके बाद उपभोग की समय वरीयता त्याग की बात कौन करता है दोस्तों? किन साहब कहते हैं, ठीक है। उसके बाद गैर बीमा योग्य जोखिम, ये भी तो दोस्तों नाइट की ही बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो सारे उत्तर ठीक हैं, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे होना चाहिए सभी, ठीक है। यहाँ पे उत्तर क्या होना चाहिए? सभी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए कि अनिश्चितता उठाने का, जोखिम बर्दाश्त करने का, उपभोग के समय वरीयता त्यागने का, और गैर बीमा जोखिम वो अनिश्चितता उठाने का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए। ये सभी जो है, ये सभी क्या है दोस्तों कि लाभ के सिद्धांत के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जितने तो भी ई बोलेंगे बिल्कुल ठीक बोलेंगे। अगला प्रश्न, लगान क्या होता है भैया? लगान क्या होता है आप बताएंगे मुझे, लगान क्या होता है? थोड़ा आराम से करिएगा आज के सेशन को, ठीक है। आज के सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारा कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा आपको। चलिए क्या उत्तर होगा भाई? लगान होता है, चलिए हाँ ठीक है, क्या उत्तर होगा? चलिए कि लगान होता है, बिल्कुल। लगान क्यों दिया जाता है दोस्तों? लगान क्यों दिया जाता है? लगान भू स्वामी को भूमि के अविनाशी शक्तियों के कारण दिया जाता है, और किसको दिया जाता है? जो भूमि का स्वामी होता है ना। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, भूपति का पुरस्कार होता है। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। जब जमींदारी प्रथा थी दोस्तों, तो आप सभी लोग को पता होगा कि बहुत सारे जमींदार थे, ठीक है। उनके पास बहुत सारे क्या होते थे? बहुत सारे जमीन होते थे, और उन सभी जमीनों पे वो क्या कर सकते थे? वो सभी जमीनों पे उत्पादन का उत्पादन नहीं कर सकते थे, तो जैसे वो छोटे मोटे किसानों को क्या करते थे? कहते थे कि जाइए आप हमारे भूमि पे खेती करिए, और उसके बदले आप हमको क्या करिएगा? लगान दीजिएगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, अतिरेक क्षमता रहते हुए भी साम्य होता है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आज का सेशन, है ना, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपके सिलेबस से अलग है, बस प्रश्न की जो प्रकृति है वो थोड़ी सी अलग है ना। बेसिकली हम लोग इसी प्रश्न की बात करें तो बस पूछता है कि ये बताइए कि अतिरेक क्षमता किस प्रतियोगिता के अंतर्गत निहित होती है, तो आप कहते हैं सर एकाधिकार के अंतर्गत होता है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि अतिरिक्त क्षमता रहते हुए भी साम्य होता है, थोड़ा सा जोड़ दिया है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल, तो MC = MR,
एमसी इज इक्वल टू एम आर, है ना। तो बस प्रश्न को घुमा दिया है, अदरवाइज प्रश्न में कुछ है नहीं। तो अतिरिक्त क्षमता रहते हुए भी साम्य होता है किसमें, एकाधिकार, एकाधिकारी के अंतर्गत। क्यों भैया, एकाधिकारी को ये पूर्ण अधिकार है कि वो क्या कर सकता है कि कितना उत्पादन करना है, ठीक है, कितना उत्पादन करना है और किस कीमत पे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना है ना। वो बाजार पे अपना नियंत्रण रख सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होता है, अतिरिक्त क्षमता नहीं होती है, क्योंकि मांग वो पूर्तियों के शक्तियों के आधार पे उद्योग कीमत का निर्धारण करता है। लेकिन एक अधिकारी जो होता है वो अकेला उत्पादक होता है, और अकेला उत्पादक होने के कारण वो जितनी चाहे अपनी वस्तुओं को, वस्तुओं की कीमत को निर्धारित कर सकता है। तो सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। अगला, अगर कीमत चल लागतों के बराबर न हो तो विक्रेता क्या करेगा। अच्छा सा प्रश्न है। चलिए कि अगर कीमत चल लागतों के बराबर न हो तो विक्रेता क्या करेगा। चलिए, चल लागत मतलब क्या होता है, अब ये चल लागत का मतलब क्या होता है, चलिए बताइए, चल लागत का मतलब क्या होता है। इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, चल लागत का मतलब क्या होगा भाई, लाइक शेयर नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। चलिए, चल लागत का मतलब क्या होता है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है भाई, डी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, बिल्कुल। तो अगर कीमत जो है वो चल लागत के बराबर ना हो तो ऐसी स्थिति में विक्रेता क्या करेगा। मतलब कीमत एक उत्पादक है, जब वस्तुओं का प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है, तो जो कीमत निर्धारित करता है वो वर्तमान समय में उसके लागत के बराबर नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता क्या करेगा, ऐसी स्थिति में जो बेचने वाला होगा वो क्या करेगा, जो विक्रेता होगा वो क्या करेगा। बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं कि पूंजी को स्टॉक में परिवर्तित कर कीमत बढ़ने का क्या करेगा, इंतजार करेगा। वो इस बात का इंतजार करेगा कि भविष्य में चल करके क्या होगा कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी और फिर हमको लाभ की प्राप्ति होगी। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, सामान्य लाभ का अर्थ क्या होता है। इजी सी बात है भाई, आप बता दीजिए मुझे कि सामान्य लाभ की बात क्या होती है, क्या उत्तर होगा भाई, सामान्य लाभ क्या होता है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपके उत्तर को। बिल्कुल ठीक है, सामान्य लाभ क्या होता है, बिल्कुल। चलिए, थोड़ा लाइक शेयर जरूर किया करिए। सामान्य लाभ की बात कौन करता है, आपको पता है कि नहीं पता है, ठीक है। सामान्य लाभ की बात कौन करता है, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के द्वारा सामान्य लाभ लाभ की बात की गई है। ये बात भी याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए सामान्य लाभ की अवधारणा किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया, तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने सामान्य लाभ की बात की है। तो सामान्य लाभ क्या होता है कि वह लाभ जो साहसी को उसी उद्योग में बने रहने को बाध्य करता हो, मतलब इतना लाभ उसको मिल जाए कि वो क्या कर सकता है, बाध्यता बनी रहे कि यार चलो भविष्य में हो सकता है कि अप्रत्याशित लाभ भी मिल जाए, लेकिन अभी तो हमको इतना लाभ मिल रहा है कि हम इस उद्योग को छोड़ करके बाहर ना जाए। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो इजी सी बात है, याद रखिएगा कि सामान्य लाभ का मतलब ये होता है कि आपको कम से कम उतना लाभ प्राप्त हो कि आप उत्पादन कर सके, अर्थात उद्योग में बने रह सके। लाभ क्या होगा भैया, चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर आप करिए। ये भी प्रश्न जो है वो बहुत इजी सा है, लेकिन जो ऑप्शन है वो थोड़े से डिफिकल्ट है कि एकाधिकारी का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। अब आप जब अगर जो प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे ना, एग्जाम में इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार सर ने तो बताया है कि वो अपनी कीमतों को ऊँचा रखता है। बिल्कुल ठीक है, एकाधिकार अपने प्रोडक्ट की कीमतों को ऊँचा रखता है। तो बहुत सारे लोग यहीं पे क्या कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए की तरफ टिक कर लेंगे। चलिए, बहुत सारे लोग ऑप्शन नंबर ए टिक कर लेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ भैया जितना प्रोडक्ट बनाता है उतने प्रोडक्ट को बेचेगा। कुछ लोग बी के तरफ चले जाएंगे, और जो थोड़े से ज्यादा ठीक ठाक होंगे, पढ़े लिखे होंगे, वो कभी भी ए और बी के तरफ नहीं जाएंगे। वो कहाँ पे जाएंगे, वो जाएंगे सी के तरफ, ठीक है। तो जो एकाधिकारी होता है उसका मुख्य लक्ष्य यही होता है कि वो किस तरीके से अपने लाभ को अधिकतम कर पाए। अधिकतम दो तरीके से कर सकता है,
पहला तरीका ये है कि जितनी मांग हो रही है मार्केट में उससे कम पूर्ति करें। मांग ज्यादा हो और पूर्ति कम हो तो जब वस्तुओं की शॉर्टेज रहेगी मार्केट में, जब वस्तुएं कम रहेंगी तो ये अपनी कीमत को क्या कर सकता है, ऊंचा रख सकता है। कीमत कीमत को क्या रख सकता है, ऊंचा रखता है। तो कीमत को ऊंचा रख के ये प्रोडक्ट को बेच सकता है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ कभी कभार, हालांकि ये बहुत रेयरली देखने को मिलता है, कि वो मार्जिन, लाभ का मार्जिन जो है वो कम कर देता है लेकिन ज्यादा प्रोडक्ट को वो बेचता है, ठीक है। तो मांग वो जितनी मांग होती है उसी के बराबर वो, लोग भी सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, जब एक अधिकारी की सीमांत लागत 6 हो और कीमत 10 हो तो एक अधिकारी शक्ति का मापन कैसे होगा? चलिए बताइए भाई क्या उत्तर होगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए भैया। चलिए क्या उत्तर होगा? आपको पता होगा कि एकाधिकारी की शक्ति की माप कैसे करते हैं भैया, कैसे करते हैं? ए आर अपान एम सी अपान क्या होता है, ए आर होता है, ठीक है। इसमें ए आर क्या इंडिकेट करता है, ए आर क्या इंडिकेट करता है, कीमत को, ठीक है। तो कीमत कितना दिया गया है, कीमत दिया गया है 10 और सीमांत लागत कितनी दी गई है, तो 10 - 6 / 6 कितना आ जाएगा भैया, 4/6, 4/6 आ जाएगा। कितना उत्तर आ जाएगा, कुछ लोग सी कुछ लोग ये बोल रहे हैं, तो भैया ये कितना आ जाएगा, ये 0.4 आ जाएगा ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो, सी बोल रहे हैं, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उत्तर एग्जैक्ट, हाँ नहीं सॉरी 0.6, ठीक है। हाँ तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है, ये 40 हो जाएगा, 36.6 कुछ हो। मतलब नियर अबाउट 6.6 होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे, नियर अबाउट एकदम एग्जैक्ट 0.6 होगा, थोड़ा सा अधिक होगा। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि इस प्रश्न का उत्तर करिए कि एकाधिकारी विभेद पूर्ण कीमत लेता है ताकि, कब लेता है भैया? चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, बिल्कुल एक सेकेंड है, इस प्रश्न में गलती हो रही है, इस प्रश्न में गलती हो रही है, एक सेकेंड रुक जाइएगा, इस प्रश्न में गलती हुआ है। क्या कह रही है, सीमांत लागत 6 दिया है ना, सीमांत लागत 6 दिया है और औसत कीमत 10 दिया, सॉरी ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, तो 10 - 6 / 10, ठीक है। तो अब जाके ये 4/10, 4/10 क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो जो लोग ए कर रहे थे वो सही बोल रहे थे, हाँ ठीक है, ए जो बोल रहे थे मैं वहां पे थोड़ा सा रिवर्स कर दिया था, उल्टा हो गया था। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सबका उत्तर यहाँ पे बिल्कुल। अगला प्रश्न, एकाधिकारी विभेद पूर्ण कीमत लेता है ताकि, एक एकाधिकारी जो होता है वो विभेद पूर्ण कीमत क्यों लेता है भैया, आप मुझे बता दीजिए, बिल्कुल ठीक है। चलिए, एक एकाधिकारी विभेद पूर्ण कीमत लेता है, इसका मतलब क्या हो गया कि कोई वस्तु की उत्पादन लागत क्या है, एक्स एक्स रुपए है। तो मान लीजिए चार बाजार है, ए बी सी और डी, ये चार बाजार है। तो चारों बाजार में क्या कर रहा है, कहीं x+1 में बेच रहा है, कहीं x+3 में बेच रहा है, कहीं x+5 में बेच रहा है, कहीं x+7 में बेच रहा है। तो क्या उत्तर आएगा भाई, बिल्कुल सही है। तो जितने लोग भी सी की बात कर रहे हैं
बिल्कुल ठीक है कि अपनी वस्तु का उपयोगी विभिन्न बाजार मांग लोचदारी की स्थिति का पूरा लाभ उठा सके। ठीक है, तो एक एकाधिकारी विभेदपूर्ण कीमत क्यों लेता है? इसलिए लेता है कि अपनी वस्तु का वो उपयोग या विभिन्न बाजार की मांग बेलोचदारी की स्थिति का वो फायदा उठा सके। अब मांग की बेलोचदारी मतलब क्या होता है भैया? सीधी सीधी बात है कि किसी मार्केट में क्या होता है कि कुछ वस्तुओं की मांग ज्यादा होती है, किसी मार्केट में क्या होती है कुछ वस्तुओं की मांग कम होती है। तो जहां पे मांग ज्यादा होगी वहां पे वो ज्यादा कीमत लेगा, और जहां पे कम होगी वहां पे वो क्या कर देगा कि कम कीमत लेगा। जैसे कि गांव में जो आलू है वो 20 रुपये मिल जाएगा, 20-25 रुपये केजी मिल जाएगा, मतलब नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर जो आप ऑफिसर कॉलोनी में रहते हैं या किसी ऐसे कॉलोनी में रहते हैं जो कॉलोनी बहुत विकसित है, ठीक है, तो वहां पे आपको आलू 6 रुपये का मिलेगा, वहां पे आपको आलू 50 रुपये पर केजी मिलेगा, 60 रुपये पर केजी मिलेगा। ठीक है, जो कद्दू एक नॉर्मल मार्केट में 30 रुपये केजी मिलता है वो क्या मिलेगा अच्छी कॉलोनी में, जो कॉलोनी बहुत समृद्ध है वहां पे कितने को मिलेगा? वो 70 रुपये 80 रुपये पर केजी मिलेगा, और लोग ले भी लेते हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि उत्पादन में पूरक लागतें इसलिए लगाई जाती हैं ताकि क्या होता है भैया? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं अगेन बी बी के तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, और कोई? बिल्कुल ठीक है, कुछ लोग बी के तरफ जा रहे हैं, और कोई भैया? उत्पादन में पूरक लागतें इसलिए लगाई जाती हैं क्यों? क्योंकि क्यों पूरक लागतें लगाई जाती हैं भाई? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोलेंगे। ठीक है, उत्पादन में पूरक लागतें इसलिए लगाई जाती हैं ताकि प्रति इकाई उत्पादन लागत में क्या आ जाए, कमी आ जाए। तो जितने लोग भी यहाँ पे बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उत्पादक लागत जो होता है इसका क्या आप उदाहरण हमें बताएंगे क्या? आप इसका उदाहरण मुझे बताएंगे क्या? आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि उत्पादन में पूरक लागतें इसलिए लगाई जाती हैं ताकि प्रति इकाई उत्पादन लागत में क्या आ जाए, कमी आ जाए। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न कि उत्पादन में घटती लागतें परिणाम है, उत्पादन में घटती लागतें किसका परिणाम है? एक कोई फर्म है वो उत्पादन कर रहा है तो उसकी औसत लागत क्यों घटती है, उसकी लागतों में कमी क्यों आती है? ठीक है, उत्पादन का स्तर तो उसका बढ़ता चला जाता है या स्थिर रहता है, लेकिन फिर भी उसकी लागतों में क्या आती है, कमी आती है, क्यों ऐसा होता है भैया? बिल्कुल ठीक है, तो जितने लोग भी, मुझे नहीं लग रहा कि कोई गलत करेगा, कोई गलत करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। तो उत्पादन में घटती लागतें जो परिणाम होती है वो किसकी होती है? बिल्कुल ठीक है, क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं ना, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं भैया सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा कि बाह्य अमित व्यवताओं से अधिक होना, मतलब बाह्य मित व्यता और आंतरिक मित व्यता, बार बार हम आपको बताते हैं कि क्या होता है बाह्य मित व्यता, कि अगर जो किसी उद्योग में नई फर्में आती हैं तो एक जो फर्म होती है उसको जब लाभ मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाह्य मित व्यता बोलते हैं। बात समझ में आई? कोई एक उद्योग है, उस उद्योग में बहुत सारी फर्में हैं, मान लीजिए कि उस उद्योग में और बहुत सारी फर्में आ जाती हैं, तो कोई एक फर्म होगा जो पहले से ही उसमें स्थापित होगा और नई फर्मों के आने के कारण जो लाभ प्राप्त होता है उसे हम बाह्य मित व्यता बोलते हैं। और आंतरिक मित व्यता, जब आप अपने उत्पादन के कारकों को बढ़ाते चले जाते हैं या अपने में विशिष्टीकरण लाते हैं तो जो आंतरिक रूप से आपको लाभ मिलता है उसे आंतरिक मित व्यता बोलते हैं। तो जितने लोग भी यहाँ पे बी की बात कर रहे हैं कि उत्पादन में घटती लागतें परिणाम है बाह्य मितव्ययताओं का बाह्य अमितव्ययता से अधिक होना। अगला प्रश्न, सभी व्यक्तियों की मांग की लोच किन वस्तुओं के लिए सकारात्मक होती है? मांग की लोच किन वस्तुओं के लिए सकारात्मक होगी?
इस प्रश्न का उत्तर करिए भाई, क्या उत्तर होगा? बहुत अच्छी बात है भाई, चलिए क्या उत्तर होगा? देखिए सकारात्मक कब होगी? सकारात्मक आय सभी वस्तुओं के लिए मांग की आय लोच इन वस्तुओं के लिए सकारात्मक होगी। सकारात्मक कब होता है? जब आपकी आय में वृद्धि होता है, जब आपके पास पैसा ज्यादा बढ़ता है, तो इसी के साथ साथ आप अपने मांग को बढ़ाते हैं। जब आपकी आय बढ़ती है तो आप अपने मांग को बढ़ाते चले जाते हैं। यही तो आय लोच सकारात्मक होने की बात है। आय लोच सकारात्मक कब होगा? आय लोच सकारात्मक तभी तो होगा कि जब आपकी आय बढ़ रही है, जब आपके पास पैसा आ रहा है, तो आप अपनी मांग को भी बढ़ाते चले जाएंगे। तो इस प्रकार की जो वस्तुएं होंगी वो कैसी होंगी? ये होंगी भैया सामान्य वस्तुएं। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सामान्य वस्तुओं का उदाहरण क्या है। सामान्य वस्तुओं का उदाहरण एक बार नहीं, बहुत बार में बताया हूँ, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। ऐसा कोई भी नहीं है जो कमेंट नहीं करेगा। और जितने लोग भी केवल वीडियो देख रहे हैं, तो अगर जो हो सके तो आप कमेंट किया करिए, ताकि आप क्लास में इंगेज रहें और आपको लगे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, एक के बाद एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और उसको सॉल्व करना है ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए भैया कि उपभोक्ता के साम्य से आशय क्या है। अर्थशास्त्र में दोस्तों हम लोग बेसिकली मुख्य तौर से एक उपभोक्ता के साम्य को पढ़ते हैं कि उपभोक्ता संतुलन अर्थात साम्य की स्थिति में कब होता है, और एक क्या पढ़ते हैं, फर्म का साम्य या उद्योग का साम्य पढ़ते हैं। ठीक है, तो बताइए क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भोजन पर किया जाने वाला व्यय जो होगा वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? साम्य, सामान्य वस्तुओं के अंतर्गत। एब्सोल्युटली ठीक है। तो क्या उत्तर होगा भाई? तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली 100% ठीक है कि उपभोक्ता के साम्य से आशय होता है कि एक जो उपभोक्ता होता है ना, न्यूनतम त्याग से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। ठीक है, मतलब आप संतुलन की स्थिति में कब रहेंगे? जब आपके पास दस हजार रुपए ही मान लीजिए महीने के आ रहे हैं, और आप संतुष्ट ही आपको आप साम्य में कब रहेंगे कि जब उस 10,000 रुपए से आप अपनी मूलभूत वस्तुओं को परचेज कर पाए, जैसे रहने की व्यवस्था कर पाए, खाने की व्यवस्था कर पाए, ठीक है, और कपड़े की व्यवस्था कर पाए, तो आप ऐसी स्थिति में कहाँ पे रहेंगे? साम्य की स्थिति में बने रहेंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर जो 5,00,000 रुपए आपके पास आ रहा है, ठीक है, तो तब आपका साम्य क्या होगा? तब आप लग्जरी वस्तुओं का उपभोग भी कर सकेंगे, बड़ी बड़ी कार आएगी, ठीक है, एक नहीं कई सारी आएंगी, तो क्या होगा, तब साम्य की स्थिति अलग हो जाएगी। तो आपके आय के आपको आपकी जो आय प्राप्त होती है, उस आय से जब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आप प्राप्त कर लेंगे, तभी आप कहाँ पे होंगे? साम्य की स्थिति में होंगे। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली ठीक है। अगला प्रश्न है कि किन्स के मॉडल में संतुलन स्थापित हो सकता है। बढ़िया सा प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिएगा, धैर्य बना के इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन की है, आप जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ पे ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे, फिर ऐसी स्थिति में इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और कहीं भी इधर उधर से कुछ कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि ए टू जेड सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट, सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पर प्रैक्टिस करते रहिए। यूपी टीजीटी पीजीटी का बैच अलग है, झारखंड टीजीटी का बैच अलग है। एडमिशन फीस केवल और केवल 2,000 रुपए है, 2,000 रुपए आपको इस नंबर पे पेमेंट करना होगा, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग ठीक है। किन्स साहब, किन्स के मॉडल में संतुलन स्थापित हो सकता है, सभी लोग बी की बात बोल रहे हैं। और कोई, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये पुस्तक कब लिखी गई थी? 1936 में लिखी गई थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इसके द्वारा लिखी गई थी, किन्स साहब के द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1936 में लिखी गई थी, ठीक है।
बिल्कुल। तो इन्होंने क्या कहा था दोस्तों, इन्होंने ये कहा था कि किन्स के मॉडल में संतुलन स्थापित हो सकता है। तो इन्होंने छोटी सी बात कही थी, उन्होंने ये कहा था कि अर्थव्यवस्था फिर भी संतुलन तब भी संतुलन में रह सकती है जब अर्थव्यवस्था में थोड़ी बहुत बेरोजगारी हो। ठीक है, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है फिर भी अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति प्राप्त कर सकती है। तो जितने लोग भी यहाँ पे बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस प्रश्न से, क्योंकि ये प्रश्न अमूमन देखने को मिलते नहीं है। ठीक है, तो किन साहब कहते हैं ना कि जो संतुलन की स्थिति है वो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा नहीं है यानी ठीक तरीके से। जब उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे तो कहते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है ना वो संतुलन की स्थिति जो है वो पूर्ण रोजगार से पहले की ही अवस्था में भी प्राप्त किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि पूर्ण रोजगार हो या मतलब बेरोजगारी की दशा में भी संतुलन की अवस्था प्राप्त किया जा सकता है। तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अब बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न। बेरोजगारी की प्राकृतिक दर वह बेरोजगारी की दर है जो क्या होता है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। देखिए, अगर जो वो मिसप्रिंट हुआ होगा तो बात अलग है, लेकिन किन साहब कहते हैं ना कि बेरोजगारी जो पूर्ण रोजगार है, सॉरी, जो अर्थव्यवस्था में संतुलन है वो बेरोजगारी पूर्ण प्रतियो सॉरी बेरोजगारी की दर भी अगर जो थोड़ी बहुत होगी तो पूर्ण प्रति सॉरी संतुलन की स्थिति प्राप्त की जाए। ठीक है, इजी सी बात है। ठीक है, यहाँ पे पता है आप कंफ्यूजन में क्यों हो रहे हैं, आप कंफ्यूजन में इसलिए हो रहे हैं कि ये गंभीर का मतलब आप पता है क्या निकाल रहे हैं। गंभीर का मतलब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि बहुत सारे बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से आपको बी उत्तर जो है वो गलत लग रहा है। ठीक है, इस वजह से आपको बी उत्तर गलत लग रहा है, लेकिन ये गंभीर का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा की बात हो रही है। गंभीर बेरोजगारी होते हुए मतलब ये उस सेंस में आप ना ले जाइए। ठीक है, तो जितने लोग भी बी की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। किन साहब छोटी सी बात कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में संतुलन बेरोजगारी की दशा में भी प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि बेरोजगारी की प्राकृतिक दर वह बेरोजगारी की दर होती है जहां पे क्या होता है भैया। अब देखिए वही बात आ गई जो बात मैं आपको बता रहा था, है ना, वही बात आ गई जो मैं आपको बात बता रहा था। ठीक है, तो उस प्रश्न में कंफ्यूज ना होइएगा, वो प्रश्न बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी उसका राइट आंसर होगा। देखिए, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर वह बेरोजगारी की दर है जो पूर्ण रोजगार के स्तर पे पाई जाती है। ये प्राकृतिक दर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्राकृतिक दर की बात हो रही है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली भैया 100% ठीक है कि बेरोजगार की प्राकृतिक दर वह होती है। देखिए, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा, क्योंकि क्या होता है कि एग्जामिनर इसीलिए बैठा है कि आपको उसको उलझाना है, उलझाने के लिए प्रश्न बना रहा है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर है एब्सोल्युटली ठीक है कि बेरोजगारी की प्राकृतिक दर वह बेरोजगारी की दर होती है जो रोजगार के स्तर पर पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद मौद्रिक मूल्य है, बढ़िया सा प्रश्न है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या उत्तर होगा भाई, चलिए क्या उत्तर होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात हो रही है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत तो हम उन्हीं उन सभी प्रोडक्ट को शामिल करते हैं जो प्रोडक्ट देश के अंदर उत्पादित होते हैं या देश के बाहर उत्पादित होते हैं। आपके दिमाग में आना चाहिए था ये बात। ठीक है, तो अगर जो ये बात दिमाग में आ रही है तो आप बहुत आराम से कह सकते हैं कि अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का जो वर्ष में उत्पादित किया गया है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं एब्सोल्युटली ठीक बोल रहे हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद मौद्रिक मूल्य किसका होता है, अंतिम वस्तुओं सेवाओं का जो वर्ष में उत्पादित की गई है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, राष्ट्रीय आय की सामाजिक
संगणना संबंधित है। किससे संबंधित है भाई बताइए मुझे। सभी लोग थोड़ा सा लाइक शेयर कर दिया करिए, इतने सारे लोग हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सी बोल रहे हैं, चलिए बिल्कुल सही है। बिल्कुल, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, कुछ लोग सी भी बोल रहे हैं, और कोई भैया? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर सही है कि राष्ट्रीय आय की सामाजिक संगणना जो है संबंधित किससे है, कौन क्या कहाँ कितना व कैसे उत्पादन कर रहा है, तथा कौन क्या कितना उपभोग कर रहा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आय की सामाजिक संगणना जो है वो किससे संबंधित है, इसमें किसकी गणना की जाती है कि कौन कर रहा है उत्पादन, कहाँ कर रहा है उत्पादन, यूपी की, एमपी की, मध्य प्रदेश, कितना उत्पादन कर रहा है, 5,000 टन, 5 टन, कैसे उत्पादन कर रहा है, टेक्नोलॉजी उसकी क्या है। ठीक है, तो कौन क्या कहाँ कितना कैसे उत्पादन कर रहा है, तथा कौन क्या कितना, कौन क्या वो कितना उपभोग कर रहा है, वो सबका ब्यौरा होता है दोस्तों राष्ट्रीय आय की सामाजिक संगणना के अंदर। तो भी बोल रहे, ठीक बोल रहे। अगला, आधार मुद्रा में सम्मिलित होता है। आधार मुद्रा क्या होता है भैया? आधार मुद्रा को किससे इंडिकेट करते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आधार मुद्रा को कैसे लिखते हैं, M0 के रूप में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, और कोई भाई? बिल्कुल, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि केंद्रीय बैंक के पास जो आरक्षित कोष होता है एवं जनता के पास जो करेंसी होता है, इसको हम आधार मुद्रा में सम्मिलित करते हैं, ए जितने लोग भी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली दोस्तों 100% बिल्कुल सही हो जाएगा। और यही आधार मुद्रा जो होता है दोस्तों, साख सृजन का क्या होता है, आधार होता है। जितने लोग भी ए बोल रहे हैं एब्सोल्युटली ठीक है। याद रखिएगा कि आधार मुद्रा में सम्मिलित होता है केंद्रीय बैंक के पास आरक्षित कोष एवं जनता के पास करेंसी को। अगला प्रश्न, मुद्रा स्फीति क्या करता है भैया? महंगाई जब अर्थव्यवस्था में आती है तो क्या करता है, आप देखिए थोड़ा से ठंडे दिमाग से और आराम से इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप कंसंट्रेट नहीं होंगे, जब तक धैर्य बना के प्रश्न को पढ़ेंगे नहीं, बहुत जल्दीबाजी में रहेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत जल्दी भी नहीं रहना है और बहुत स्लो भी नहीं रहना है, ठीक है ना? बहुत तेज भागना है न बहुत धीरे भागना है। अगर जो आराम आराम से चलते रहेंगे, निरंतर चलते रहेंगे, सब कुछ कवर हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल, कि मुद्रा स्फीति क्या होता है भाई, एक बार नहीं बहुत बार मैंने बताया आप लोग को। बिल्कुल ठीक है, तो मुद्रा स्फीति में क्या होता है दोस्तों, महंगाई आती है, ठीक है सबको पता होगा। देखिए कितने सारे लोग गलत कर रहे हैं। मुद्रा स्फीति में क्या आती है, मुद्रा स्फीति क्या होता है, ये इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी है, और महंगाई आम बोल चाल में बोला जाता है। महंगाई क्यों आती है दोस्तों, महंगाई इसलिए आती है ताकि वस्तुओं की कीमतों में क्या होता है, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होता है। वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि क्यों होता है भैया? वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि इसलिए होती है कि लोगों के पास मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब मुद्रा पूर्ति क्या होता है, मुद्रा पूर्ति क्या होता है, बढ़ जाता है। बहुत सारे कारण है इसके, बहुत सारे कारण है। तो क्या उत्तर होगा, बी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी यहाँ पे बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर है मुद्रा स्फीति एक स्थिति नहीं बल्कि कीमत वृद्धि की एक क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। एब्सोल्युटली ठीक है। तो छोटी सी बात है भाई, जिंदगी में कभी भी भूलिएगा नहीं कि अर्थशास्त्र में जो महंगाई शब्द है उसको हम मुद्रा स्फीति के रूप में प्रयोग करते हैं। और हमारे देश में महंगाई कब आती है, जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि क्यों होती है, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है, ठीक है, क्रय करने की शक्ति बढ़ती है। और क्रय करने की शक्ति कब बढ़ेगी, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति ज्यादा हो जाएगी। किसको लाभ होगा,
जो ऋणी होगा उसको लाभ होगा, किसको हानि होगा, जो ऋण दाता होगा उसको हानि होगा, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। एब्सोल्युटली बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि मुद्रावादी वे हैं जो विचार रखते हैं कि, मुद्रावादी क्या कहते थे भैया मुद्रा के संदर्भ में, कमेंट करके आप लोग बताइएगा मुझे इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल, तो वो बात आपको याद आनी चाहिए। चलिए कमेंट करके बताइए। बिल्कुल, तो मुद्रावादी वे हैं जो यह विचार रखते हैं कि, क्या कहते हैं? बिल्कुल, तो मुद्रावादी भैया छोटी सी बात कहते हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मुद्रा स्फीति अर्थव्यवस्था में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मुद्रा स्फीति आ जाए तो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अर्थात मुद्रा स्फीति का मतलब क्या हो गया, फिर वही बात कि महंगाई अगर जो अर्थव्यवस्था में आ जाए तो कोई बहुत समस्या की बात नहीं है, क्योंकि महंगाई आ रही है इट मीन्स कि लोगों के पास पैसा है, क्या होगा, उत्पादन का स्तर बढ़ेगा। ठीक है, तो उत्पादन का स्तर बढ़ेगा ये इतनी गंभीर समस्या नहीं है, जितनी गंभीर समस्या क्या है, मंदी है, अर्थात बेरोजगारी है। मंदी कब आता है, जब मुद्रा विस्फीति होता है। यहाँ पे क्या होता है भैया, यहाँ पे ये होता है कि मंदी आ जाता है। मंदी का मतलब क्या होता है, लोगों की निवेश क्षमता कम होने लगती है, वस्तुओं का उत्पादन कम होता है। जब वस्तुओं का उत्पादन कम होता है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में आपको पता ही है कि चक्रीय प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उत्पादन कम होगा, मांग व पूर्ति कम होगा, और मांग व पूर्ति कम होगा तो आपको पता ही है कि कितना घातक होता है ये, किसके लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि मुद्रावादी वे विचार रखते थे कि मुद्रा स्फीति से ज्यादा गंभीर क्या है, बेरोजगारी। मतलब अगर जो महंगाई आती है तो अर्थव्यवस्था थोड़ा बहुत सर्वाइव कर सकता है, ये थोड़ी सी अच्छी कंडीशन है, लेकिन अगर जो मंदी आती है तो ये क्या है, ये बहुत विकट समस्या है। मंदी में क्या होता है, बेरोजगारी आ जाता है, निवेश क्षमता क्या होती है, लोगों की कम हो जाती है। अगला प्रश्न, अगर बैंक शाख निर्गमन बढ़ाना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, लोग पढ़ते हैं ना कि शाख निर्गमन बढ़ाना चाहता है, आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर भैया। बिल्कुल ठीक है, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। जितने लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल ठीक है, तस्नीम खान जी, सुनीता तिवारी जी, विकास जी, रीता जी, मीनू जी, तौसिफ जी, रुचि जी, प्रियंका यादव जी, निक्की खान जी, चलिए इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताइए। इजी सी बात है, इजी सी बात है, बच्चों वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर बैंक शाख निर्गमन बढ़ाना चाहता है तो इजी सी बात है कि उसे ब्याज की दर घटानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्याज की दर जब घटेगी तो मुद्रा की मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी। बिल्कुल ठीक है, और जब मुद्रा की मांग में वृद्धि होगी तो शाख सृजन में भी क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। एब्सोल्युटली 100% ठीक है, आई होप कि कोई गलत नहीं करेगा। बच्चों वाली बात है, बहुत छोटी सी बात है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो जानते होंगे, अदरवाइज मैंने आपको एक लाइन में बता ही दिया। अगला प्रश्न है कि व्यापारिक बैंकों के लिए SRL अर्थात वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए, और लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए भैया। बिल्कुल ठीक है, ये गलत दे दिया है ना, SLR होना चाहिए ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, SRL दे दिया है, SLR होना चाहिए। चलिए ये थोड़ा सा मिसप्रिंट, चलिए क्या उत्तर होगा भैया। बिल्कुल, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है भाई कि बैंक की तरह देयता के विरुद्ध सरकारी अन्य स्वयं जैसी प्रतिभूतियों का क्या होता है दोस्तों, ये अनुपात होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। छोटी सी बात है, बहुत बार पढ़ा होगा कि व्यापारिक बैंकों के लिए वैधानिक तरलता अनुपात वह अनुपात होता है जिसे व्यापारिक बैंकों को अपनी जमा का एक निश्चित अनुपात अपने पास रखना पड़ता है। बहुत बार पढ़ा होगा, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे
बिल्कुल ठीक है। बैंकों की तरह देयता के विरुद्ध सरकारी अन्य स्वयं जैसी प्रतिभूतियों का अनुपात होता है। तो जितने लोग भी सी है सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुद्रा के प्रतिष्ठित सिद्धांत में यह माना गया है कि, मुद्रा का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है वो क्या मानता है। चलिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक सेकेंड रुक जाइएगा, एक सेकेंड, इस प्रश्न की बात कर रहे हैं, एक सेकेंड रुक जाइएगा। हाँ ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइएगा। व्यापारिक बैंकों के लिए SLR वैधानिक तरलता अनुपात है, नगदी का 1% नियम बैंकों की तरह देयता के। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, मैंने ए पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। बिल्कुल सही है, थैंक यू वेरी मच। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है, जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। मैंने ए की तरफ ध्यान दिया ही नहीं, ठीक है, मैंने ए की तरफ ध्यान दिया ही नहीं। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं बिल्कुल सही है कि नगदी का वह प्रतिशत नियमानुसार बैंक अपने पास रखते हैं। शायद मैंने ये बोला भी है क्या, शायद मैंने बोला भी है। तो व्यापारिक बैंकों के लिए वैधानिक तरलता अनुपात क्या होते हैं, नगदी का वह प्रतिशत नियमानुसार बैंक अपने पास रखते हैं। तो देखिए क्या होता है ना दोस्तों, कि देखिए जब मुझसे गलतियां हो जा रही हैं तो ये क्यों हो रही है पता है, ये इसलिए होती है कि कभी कभी पता है एक ही चीज करते करते कंसेंट्रेशन कोलैप्स हो जाता है, और यही चीज एग्जामिनेशन सेंटर में भी आपके साथ होने वाला है। तो कभी भी थोड़ा सा रुक जाइएगा, थोड़ा सा ठहर के प्रश्नों को देखिएगा, है ना। कभी कभी थोड़ा सा कंसंट्रेशन इधर उधर होता है तो काम खराब हो जाता है। हालांकि बच्चों वाला प्रश्न है, मैंने बहुत बार इसको करवाया है, लेकिन देखिए गलती हो गई थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये उत्तर होगा। एब्सोल्युटली ठीक है, इतने सारे लोग कमेंट कर दिया। चलिए चलिए क्या उत्तर होगा, हाँ इस प्रश्न का उत्तर करिए। मुद्रा के प्रतिष्ठित सिद्धांत में यह माना गया है, क्या माना गया है मुद्रा के प्रतिष्ठित सिद्धांत में, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा। बिल्कुल, तो मुद्रा के जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उन्होंने क्या कहा था, ये बोल रहे हैं कुछ लोग, और कोई भैया, उन्होंने कहा था कि मुद्रा में जो परिवर्तन होगा वो केवल और केवल कीमत को प्रभावित करेगा, ठीक है ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल सी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है कि अधिक मुद्रा से कोई विकास नहीं होगा, ये क्या करेगा, केवल स्फीति ही होगी। बिल्कुल ठीक है, तो मुद्रा के जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है उन्होंने क्या कहा कि, उन्होंने क्या कहा दोस्तों, कि मुद्रा की पूर्ति तथा कीमत स्तर में प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो जाहिर सी बात है कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो कीमत में वृद्धि होगा, तो इससे स्फीति आएगी, है ना। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसका आय और उत्पादन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं। मुद्रा के जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है वो हमें ये बताते हैं कि मुद्रा की जो पूर्ति होती है वो केवल और केवल कीमत को प्रभावित करती है। मुद्रा की पूर्ति और कीमत में प्रत्यक्ष संबंध देखने को मिलता है, आपकी आय और आपकी उपभोग को मुद्रा की पूर्ति प्रभावित नहीं करेगी। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक। अगला प्रश्न, भारत में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी, यदि भारत में मुद्रा की पूर्ति कब बढ़ जाएगी, कैसे बढ़ जाएगी, आप मुझे बताएंगे। चलिए इजी सी बात है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बच्चों वाली बात है, बहुत सारे लोग गलत करेंगे,
बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। हमारे देश में मुद्रा की मात्रा कब बढ़ेगी, मुद्रा की पूर्ति कब बढ़ेगी, आप मुझे बताइए क्या उत्तर होगा। डी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, चलिए क्या उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी सी ए है ना। तो मुद्रा की पूर्ति कब बढ़ेगी बताइए आप मुझे। बहुत सारे लोग बहुत सारे उत्तर दे रहे हैं, ठीक है ठीक है बिल्कुल। तो देखिए, अगर जो मुद्रा की पूर्ति तब बढ़ेगी जब आरबीआई सरकार को क्या करेगा, ऋण देगा, ठीक है। जब आरबीआई सरकार को ऋण देगा तो ऐसी स्थिति में आरबीआई को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कि नई मुद्रा छापनी पड़ेगी, है ना। जब आरबीआई सरकार को ऋण देगा, देखिए कितने सारे लोग गलत कर रहे हैं, कितने सारे लोग गलत कर रहे हैं। तो जब आरबीआई सरकार को ऋण देगा तो ऐसी स्थिति में आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, नई मुद्रा को छापना पड़ेगा। और अगर जो नई मुद्रा छपेगी दोस्तों, तो सबसे जरूरी बात आपको पता है कि नई मुद्रा अगर जो अनियंत्रित तरीके से छाप दिया जाए तो ये क्या करता है कि मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाता है, कीमत स्तर को बढ़ा देगा। अर्थव्यवस्था किसमें आ जाएगी, स्फीति के अंतर्गत आ जाएगी, अर्थव्यवस्था में महंगाई तेजी से व्याप्त हो जाएगा। तो डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सरकार ऋण लेगा तो ऋण इसीलिए तो लेगा कि जनता पे खर्च करना है, तो सरकार भी जनता पे खर्च कर देगा और आरबीआई फिर नई नोट भी छाप देगा, तो फिर वो क्या हो जाएगी, डबल डबल मुद्रा जो है वो आपकी अर्थव्यवस्था में आ जाएगी। डी दिस इज द राइट आंसर। अगला, बहुत गलतियां हो रही हैं आज, बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, थोड़ा आराम से करिए, है ना। प्रश्न वही है, बस इसका ऑप्शन चेंज हो गया है। राजकोषीय नीति क्रियान्वित होती है परिवर्तन करके, ठीक है। राजकोषीय नीति कौन अपनाता है भैया, ये सरकार अपनाता है। राजकोषीय नीति क्या आता है, सरकार को आय कहाँ से प्राप्त करनी है, आय कहाँ से प्राप्त करता है, या तो टैक्स लगाता है, या तो आंतरिक ऋण लेता है, या तो वह ऋण लेता है। व्यय कहाँ पे करेगा, आधारभूत संरचना जो देश की है, शिक्षा स्वास्थ्य परिवहन, इस प्रकार क्या करेगा, व्यय करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये अच्छा होगा तो एक लोग मतलब लोगों की निवेश क्षमता विकसित होगी, निवेश बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बिल्कुल ठीक है, ये बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, सभी लोग ये बोल रहे हैं बिल्कुल। तो सरकारी व्यय तथा कराधान को, एब्सोल्युटली ठीक है। तो यही बात तो मैंने बता दिया कि सरकार व्यय करती है हमारे आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने के लिए, और पैसा कहाँ से प्राप्त करेगी, हमारे आपके ऊपर क्या लगाएगी, टैक्स लगाएगी, तो आय व्यय यही तो होता है ना। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न बिल्कुल ठीक है, चलिए। कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से दीर्घकाल में सबसे अच्छी तरह संबंध स्थापित कर सकते हैं, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, मजेदार सा है, थोड़ा आराम से करिएगा, गलत नहीं करना है, गलत कर देंगे तो पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ी लिखी, इकोनॉमिक्स पढ़ने लिखने का अगर जो कॉन्सेप्ट मेहनत करके पढ़े तो कोई मतलब नहीं निकले। थोड़ा आराम से करिएगा लेकिन बेहतर करिएगा इस प्रश्न का उत्तर, बिल्कुल ठीक है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई। और जिन लोगों ने भी अभी तक लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं ज्वाइन किया है, जरूर ज्वाइन करिए। यहाँ पे ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, कंप्लीट इकोनॉमिक्स जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। बस आप आराम आराम से वहाँ पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। यूपी टीजीटी का बैच अलग है, झारखंड टीजीटी पीजीटी का बैच अलग है। एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपये है, 2000 रुपये आपको इस नंबर पे पेमेंट करना होगा, गूगल पे फोन पे पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। बी बहुत सारे लोग बी बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग ए बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार में दीर्घकाल में सबसे अच्छी तरह संबंध हम किससे स्थापित कर सकते हैं, हम तभी तो कर सकते हैं कि जब न्यूनतम सरकारी क्या हो, हस्तक्षेप हो, उसके साथ स्वतंत्रता भी हो और बहुराष्ट्रीय सौदे भी हो। अपने इंडिया में यही तो है ना भैया, ऐसा थोड़ी है कि कोई देश जितना चाहे उतना हमारे देश में क्या कर देगा, वस्तुओं को भेज देगा। मतलब हम अनियंत्रित आयात थोड़ी करते हैं,
नियंत्रित मात्रा में आयात करते हैं ना, तो सरकार का क्या है, न्यूनतम मात्रा में हस्तक्षेप भी है, बिल्कुल ठीक है, उसके साथ स्वतंत्रता भी है कि हमारा बाजार खुला हुआ है, आप चाइना के हैं, पाकिस्तान के हैं, आप किसी भी देश के हैं, आप आइए हमारे मार्केट में प्रोडक्ट को बेचिए, और बहुराष्ट्रीय सौदे भी होते हैं। तो ये डी जो इसका उत्तर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दीर्घकाल में सबसे अच्छी तरह संबंध जो स्थापित करता है वो करता है डी, अर्थात न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप हो, इसके साथ स्वतंत्रता भी हो कि हाँ भाई ठीक है आइए हम बहुत ज्यादा अभ्यंस या प्रशुल्क नहीं लगाएंगे आपके ऊपर, ठीक है, और बहुराष्ट्रीय सौदे भी होने चाहिए, ठीक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की बात कर रहे हैं, सभी विदेशी पूंजी को प्रत्यक्ष निवेश के लिए आमंत्रित करना, नहीं भाई छोटी सी बात है, एक ही तरफ इतने लोग क्यों जा रहे, कुछ तो बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे सर जी यही होगा, कुछ कह रहे बड़ा सर जी यही होगा, भाई ये एक कैसे हो जाएगा, दूसरे देश के लोग आएंगे आपकी देश में कंपनी स्थापित कर, ठीक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आपने पढ़ा है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अगर जो नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिए, एक बहुत बड़ा ये चर्चा का विषय है कि क्या हमें भारत में विदेशी कंपनियों को स्थापित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसके दो पहलू हैं, आज समझ लीजिए। पहली बात यह है कि अगर जो कोई कंपनी आएगी दूसरे देश से, ठीक है, तो इसके प्लस पॉइंट क्या है कि अगर जो कोई कंपनी आई दूसरे देश से और हमारे देश में वो अपने फर्म को स्थापित कर रही है, तो प्लस पॉइंट ये है कि बड़ी मात्रा में वो कंपनी हमको पैसा देगी, हमारे ही देश के लोगों को श्रम के लिए लगाएगी, क्योंकि वो चाइना से या जापान से तो श्रमिकों को लेके नहीं आएगा, बहुत आएंगे 10-20 लोग आएंगे, उससे ज्यादा तो आएंगे नहीं। तो एक बार जब कंपनी आएगी तो बड़ी मात्रा में सरकार को पैसा भी देगी, जमीन यहीं से खरीदेगी, क्या होगा, मुंह मांगे दाम पे जमीन खरीदेगी, पैसा ज्यादा मिलेगा, आसपास के लोगों का विकास होगा, श्रमिकों की संख्या वहां पे कार्य करेगी, ये प्लस पॉइंट है, ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के। और दूसरा माइनस पॉइंट ये है कि भैया कोई भी आएगा लाभ कमाने के लिए आएगा, तो दीर्घकाल में जब वो कंपनी क्या करने लगेगी, दीर्घकाल में जब वो कंपनी उत्पादन करके बेचेगी तो अपने प्रॉफिट को वो अपने देश में बेचने लगेगी, जिससे आपको विदेश का क्या होगा, हरास होगा। ये बहुत बड़ा एक डिबेट है। अगला प्रश्न कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन को दीर्घकाल में ठीक करने के उपाय क्या हैं? डी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है डी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं भैया आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि विदेशी मुद्राओं की तुलना में अपनी मुद्रा का हम क्या कर लें, अवमूल्यन कर लें, ये तो हमने बहुत बार देखा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन को दीर्घकाल में ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, अवमूल्यन, ये बहुत बार हम लोगों ने। अगला प्रश्न कि हैक्शर ओलिन सिद्धांत में तुलनात्मक लाभ तब प्राप्त होता है जब कब प्राप्त होता है, ए होता तो भी तो हो सकता है, ठीक है, ए सही है आपकी बात, लेकिन ए से बेहतर दिया गया है बी, एक ए से बेहतर था डी, दो उचित लोगों में चुनना हो तो उसमें से आप जो सबसे उचित होगा उसको चुनेंगे, 15 लाख लोग बैठेंगे एग्जाम में, उसमें से कम 3 से 4 लाख लोग ऐसे होंगे जो बहुत ही रिलीवेंट हैं, जिनके पास ये काबिलियत है कि वो क्या कर सकते हैं एग्जाम, मतलब जो लोग बहुत करीब हैं सिलेक्शन के कम 2 से 4 लाख लोग ऐसे होंगे जो 3 नंबर 4 नंबर 2 नंबर 1 नंबर से छठे, कुछ 0.1 से छटेगा 0.2 से। तो आयोग क्या करता है कि जो ज्यादा काबिल है उसको पहले रखो, उसके बाद एक नंबर से भी गए तो काम खत्म, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करें कि हैक्शर ओलिन सिद्धांत में तुलनात्मक लाभ तब प्राप्त होता है जब, क्या होगा भाई, हैक्शर ओलिन साहब आ गए बता दीजिए, जरूर आएंगे, बिल्कुल ठीक है।
कहते हैं कि प्रचुर साधन का गहन प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो जो देश पूंजी प्रधान है वो पूंजी प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करे, और जो देश श्रम प्रधान है वो श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करे, तभी जाकर के क्या होगा, दोनों देश में व्यापार होगा और ये दोनों देश के हित में होगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर है एब्सोल्युटली ठीक है, बी ही सभी लोग बोल रहे हैं ना। विष्णु कुमार जी, मौसम कुमारी जी, रश्मि तिवारी जी, अमरेश यादव जी, देवेंद्र जी, रीता जी, आशुतोष जी, बिल्कुल ठीक है। तो भैया आपके देश में पूंजी ज्यादा है तो आप पूंजी का इस्तेमाल करके उत्पादन करिए, हमारे देश में श्रम ज्यादा है तो हम श्रम का इस्तेमाल करके उत्पादन करेंगे। अगला प्रश्न, एक्शर ओहलिन सिद्धांत तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत है, किंतु तुलनात्मक लाभ होने चाहिए, किसमें होने चाहिए भैया बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा। हैक्शर ओहलिन सिद्धांत तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत है, किंतु तुलनात्मक लाभ होने चाहिए। अब देखिए ये प्रश्न पीजीटी में आप देखते हैं तो वहां पे तुरंत कर देते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में इस प्रश्न को इस तरीके से पूछ दिया जाएगा तो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, गलती होने लगेगी, है ना। तो क्या उत्तर होगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो ये होगा भैया लागतों में जो कीमतों में जो सामान्य साम्य कीमतें हैं वो, ठीक है। अब कुछ लोग जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया था उस तरीके से बता देंगे, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रश्न को ध्यान से समझिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि हैक्शर ओहलिन सिद्धांत तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जितने जितने ऑप्शन दिए गए हैं वो ठीक है, आप डी बोलेंगे, डी भी इसका उत्तर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु तुलनात्मक लाभ कैसे होने चाहिए, तो तुलनात्मक लाभ होने चाहिए कीमतों के आधार पे, ठीक है, कि हमारे देश में श्रम कैसा है, कितने का है, उसके देश में श्रम कैसा है, ठीक है। हमारे देश में पेट्रोलियम से संबंधित श्रमिक कितने रुपए में उपलब्ध हो जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान में पेट्रोलियम से संबंधित है कितने रुपए में श्रमिक तैयार हो जा रहे हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार तुलनात्मक लाभ पर आधारित है जो उत्पन्न करता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए, हाँ ये बात भी सही है। हाँ चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार तुलनात्मक लाभ पर आधारित है जो उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, डी बोलेंगे कुछ लोग, बी बोलेंगे और कोई, भैया लाइक शेयर जो लोग भी नहीं कर रहे हैं अच्छी बात नहीं है। तुलनात्मक लाभ पे आधारित है, किसने दिया था ये सिद्धांत, किसने दिया था ये सिद्धांत, बिल्कुल ठीक है, बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, किसकी बात हो रही है, डेविड रिकार्डो साहब की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो केवल जब तुलनात्मक लाभ क्या होते हैं, बहुत अधिक होते हैं, लोग भी बी बोल रहे हैं, आप लोग भैया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तुलनात्मक लाभ पे आधारित है तो क्या उत्पन्न करता है, केवल जब तुलनात्मक लाभ क्या होता है, बहुत बहुत होता है, एक देश दूसरे देश की तुलना करते हैं और उसमें उत्पादक लागत में क्या पाई जाती है, क्या पाई जाती है। अगला, अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में निम्न में से क्या गलत है, ये लाइक क्यों नहीं करते हैं भाई, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, लाइक आप लोग क्यों नहीं करते, देख इतने सारे लोग देख, क्लास समझ में नहीं आ रही है क्या, लाइक शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा लाइक शेयर किया करिए, है ना। जितने लोग लाइव क्लास देखते हैं उतना भी लाइक नहीं होता। चलिए क्या उत्तर होगा भाई, बिल्कुल डी बोल रहे हैं कुछ लोग, कुछ लोग बी भी बोल रहे हैं,
बहुत सारा कंफ्यूजन। अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में निम्न में से क्या गलत है? क्या गलत है? बिल्कुल, कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग और कोई भाई? बिल्कुल ठीक। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार जब होता है ना, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे ये होता है जो कंपनियां होती हैं वो ये चाहती हैं कि हमको अपना लाभ अधिकतम करना है। आप इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार इसलिए होता है कि हमको अपने लाभ को अधिकतम करना है, न कि अपनी उपभोगता अपनी उपयोगिता को बढ़ाना है। ठीक है, तो उपभोक्ता अपने लाभ व विक्रेता अपनी उपयोगिता बढ़ाते हैं। नहीं, ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने का एकमात्र कारण है ताकि कंपनियां जो हैं वो लाभ कमाना चाहती हैं, देश जो है वो लाभ कमाना चाहता है। सऊदी अरेबिया हुआ, इराक हुआ, ईरान हुआ, वो क्यों भारत को पेट्रोल देता है? वो इसलिए नहीं देता कि भारत में क्या है कि पेट्रोल की उपयोगिता है, वो इसलिए देता है कि भैया हम भारत को बेचेंगे तब हमको पैसा मिलेगा। तो उपयोगिता बढ़ाना उसका मूलभूत उद्देश्य नहीं होता, उसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। एब्सोल्युटली ठीक है। अगला प्रश्न, डोमर मॉडल की बात हो रही है। चलिए भैया, बहुत पढ़ा होगा डोमर मॉडल को, कमेंट करके बताइए। चलिए, रुदत्ती देवी जी, रीता जी, बिल्कुल ठीक है। मौसम कुमारी जी, प्रदीप जी, महेश जी, अशोक वर्मा जी, चलिए कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि डोमर मॉडल के लिए क्या सही है। बिल्कुल क्या सही है भैया? बिल्कुल ठीक है, डोमर साहब क्या करते हैं, मांग व पूर्व मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष दोनों की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष दोनों की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल ठीक है। क्या कहते हैं कि निवेश करने से एक तरफ अर्थव्यवस्था में आय का सृजन होता है और वहीं दूसरी तरफ आय का सृजन होता है तो उत्पादन में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा, मांग वो आपूर्ति दोनों को बढ़ाने के लिए निवेश की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? मांग को कैसे बढ़ाया जाएगा बताइए। बिल्कुल ठीक है, मांग को तब बढ़ाया जाएगा ना जब निवेश एक ओर जब निवेश किया जाएगा तो अर्थव्यवस्था में आय होगा। ठीक है, और पूर्ति कब बढ़ेगा भैया? जब आय होगा तो आप निवेश करेंगे। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोलेंगे एब्सोल्युटली 100% ठीक बोलेंगे कि डोमर मॉडल में मांग और आपूर्ति दोनों बढ़ाने के लिए निवेश किए जाने। ठीक है, तो जब निवेश किया जाता है, पहले तरफ मांग की बात करें तो जब निवेश किया जाता है तो उससे क्या होता है दोस्तों, अर्थव्यवस्था में आय की प्राप्ति होती है, और जब आय मिलता है तो उसके बाद क्या होता है, लोग उत्पादन करते हैं। तो इतने लोग भी ये बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, हैरट डोमर मॉडल में कौन सी बातें ठीक है? बिल्कुल ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल, हाँ, डोमर साहब जो है वो निवेश पे ही बल देते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन निवेश को बढ़ाने के लिए वो एक तरफ मांग पक्ष और दूसरी तरफ पूर्ति पक्ष की बात है ना। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि डोमर मॉडल में कौन सी बातें ठीक है। चलिए बिल्कुल ठीक है, एक सेकेंड, आज मुझसे बहुत गलती हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, एक सेकेंड रुक जाइए, आज गलतियां क्यों हो रही है भाई, आज गलती क्यों हो रही है? डोमर मॉडल में मांग वो पूर्ति, ठीक है, गलती नहीं है। चलिए मैं थोड़ा इसको कंफर्म करके बताता हूँ, ठीक है, इसको कल के सेशन में मैं करवा दूँ। हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर
ना, थोड़ा सा मैं इसको कंफर्म करके बताता हूँ, कल कंफर्म करके पक्का बता दूंगा, ठीक है? हमारी समझ से ऑप्शन नंबर यही होना चाहिए, लेकिन मुझे भी थोड़ा सा इस प्रॉब्लम लग रही है, ठीक है? मैं कल इसको जरूर करवाता हूँ इस प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न कर, डूमर मॉडल में क्या सही है? चलिए बिल्कुल ठीक है, डूमर मॉडल में क्या सही है? चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल हाँ ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? डोमर मॉडल के लिए क्या सही है ये बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। चलिए तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, तो निवेश स्फीति और विस्फीति दोनों को ठीक करने के उपाय से, तो जितने लोग भी ये कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली ठीक है कि डोमर मॉडल में निवेश स्फीति और विस्फीति दोनों को ठीक करने के उपाय की बात की गई, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक कौन सा है? अच्छा सा प्रश्न, क्या उत्तर होगा भाई? हाँ बिल्कुल ठीक है, आर्थिक विकास कहाँ होता है? विकासशील देशों में देखने को मिलता है। आर्थिक विकास की प्रॉपर्टीज क्या है? यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, साथ ही साथ देश का संरचनात्मक विकास होता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, ये सारी चीजें अच्छी होती हैं और लोगों की जो लाइफ स्टाइल होती है वो बेहतर होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं बिल्कुल है, बढ़ता जीवन स्तर, लोगों का जीवन स्तर क्या होता है दोस्तों, बेहतर होता चला जाता है, और ये बात आर्थिक समृद्धि में लागू नहीं होती, क्योंकि आर्थिक समृद्धि में ऑलरेडी लोगों का जीवन बेहतर होता है, वहां पे आर्थिक समृद्धि का जो तक केवल और केवल राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय है और टेक्नोलॉजी परिवर्तन, राष्ट्रीय आय, तकनीकी परिवर्तन और प्रति व्यक्ति, ये तीन चीजों का मेजरमेंट आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत है, और आर्थिक समृद्धि विकसित देशों में देखने को मिलती है। आर्थिक विकास क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, देश का संरचनात्मक विकास, लोगों का रहन सहन में सुधार आता है। अगला प्रश्न, क्या उत्तर होगा कि विकसित विकसित देशों में अब आर्थिक वृद्धि मुख्यतः परिणाम है? बढ़िया सा प्रश्न है, क्या उत्तर होगा? सभी लोग थोड़ा सा एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, निवेदन है सभी लोगों से, क्या उत्तर हो गया भाई? बिल्कुल, अब यहाँ पे पता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग का, थोड़ा सा अच्छे से दिमाग का प्रयोग करना है ना, अच्छे से दिमाग का प्रयोग करेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर ठीक कर पाएंगे, अगर जो नहीं कर पाएंगे दिमाग का प्रयोग तो प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तुम पीटर साहब आपको याद आ रहे हैं कि नहीं? तुम पीटर साहब आपको याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तुम पीटर साहब आपको याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तुम पीटर साहब ने क्या कहा था? तुम पीटर साहब ने ये कहा था कि एक जो उद्यमी होता है वो अपने नव परिवर्तन के कारण ही लाभ प्राप्त करता है, नए नए आइडियाज लाता है, उस आइडियाज को इंप्लीमेंट करता है और उसके कारण वो लाभ प्राप्त करता है, और ये नए परिवर्तन और तकनीकी, जब नए परिवर्तन तो कुछ सोच लिया लेकिन तकनीकी जो आएगा वो कैसे आएगा? पैसा तो है नहीं, तो पैसा हम कहाँ से ले लेंगे? बैंक से साख ले लेंगे, बैंक से ऋण ले लेंगे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि विकसित देशों में अब आर्थिक वृद्धि मुख्यतः परिणाम किसका है? नव परिवर्तन व तकनीकी का। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, आजकल हम विकास के स्वर्णिम युग की बात करते हैं जिसका संबंध है, स्वर्णिम युग का आप मुझे समीकरण बता दीजिएगा कि क्या कहा था कि
श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने। सबको पता होगा कि सर, बिल्कुल सबको पता है सर, हमको भी पता है, आपको भी पता है, फिर ये प्रश्न क्यों लेके आए, लेकर के इसलिए आ गया ताकि मान लीजिए जिन लोगों को नहीं पता होगा उन लोगों को पता हो जाएगा। आपके इतना टैलेंटेड सभी लोग नहीं है ना, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं। तो क्लास जो लिया जाता है किसके लिए लिया जाता है, सबके लिए लिया जाता है, ना कि किसी एक लोगों के लिए लिया जाता है। ये क्या है, पूंजी में वृद्धि है, ये क्या है, पूंजी में वृद्धि है कि नहीं है। और ये क्या है, डेल्टा एन अपान एन क्या है, डेल्टा एन अपान एन क्या है, जनसंख्या में वृद्धि दर है, ये जनसंख्या में वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, पूंजी में वृद्धि दर बराबर हो जाएगा जनसंख्या में वृद्धि दर, तो इसी बात को विकास का स्वर्णिम युग कहती है। कौन, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, ठीक है। और यहाँ पे पूर्ण रोजगार की स्थिति क्या हो जाएगी, स्थापित हो जाएगी। ये लोग भी सी बोल रहे हैं, सबका उत्तर ठीक है। अगला, आर्थिक विकास का विचार है। देखिए, इजी सा प्रश्न है, गलतियां बहुत सारी होंगी, प्रश्न बहुत इजी है लेकिन गलतियां कितनी सारी होंगी, बहुत सारी होंगी, बहुत सारी, बहुत सारी, है ना। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई, आर्थिक विकास का विचार। अब आपको समझ में आना चाहिए कि सर अभी तो बता रहे थे आप आर्थिक विकास, कि आर्थिक विकास जो होता है वो बेसिकली विकासशील देशों में देखने को मिलता है, जहां पे प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय के साथ साथ देश के आधारभूत संरचना अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन में सुधार आता है, लोगों की लाइफ स्टाइल क्या होती है, बेहतर होती है। बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा, ये कॉमन सेंस का प्रश्न है। जिसकी तर्क शक्ति अच्छी होगी वो इस प्रश्न का उत्तर करेगा, जिसकी तर्क शक्ति अच्छी होगी वो इस प्रश्न का उत्तर करेगा बेहतर ढंग से। एब्सोल्युटली 100% ठीक है भाई, कि आर्थिक विकास का जो विचार है वह आयामी है जो गैर आर्थिक तत्वों को सम्मिलित करता है। गैर आर्थिक तत्व का मतलब क्या हो जाएगा, फिर वही बात आ जाएगी कि लोगों की लाइफ स्टाइल, जीवन जीने का स्तर, जीवन जीने का स्तर, इसको आप मुद्रा में नहीं माप सकते। शिक्षा जो है, आप कितने शिक्षित हैं इसको आप मुद्रा में माप नहीं सकते हैं, आप कितने स्वस्थ हैं इसको मुद्रा में माप नहीं सकते हैं। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, यह वह आयामी है जो गैर आर्थिक तत्व को सम्मिलित करना, एग्जाम में ये चालाकी दिखानी है, नहीं तो ऐसे प्रश्न बहुत सारे आएंगे और जो लोग एग्जाम में नहीं कर पाएंगे वो कहेंगे सर जी समझ में कुछ नहीं आया, ठीक है। तो ये क्या है ना, कि जो आपका ओपन माइंड है, ये काम दिमाग, ये चीज क्या करना है, एग्जामिनेशन हाल में भी ओपन रखना है। तो आर्थिक विकास का विचार है कि वह आयामी है जो गैर आर्थिक तत्वों को भी सम्मिलित करता है, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, लोगों की जीवन शैली कैसी है। अब जीवन शैली को हम लोग क्या कर सकते हैं कि मुद्रा में तो माप सकते नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और ऐसा नहीं है, मतलब लगातार 8-10 लोग ऊपर से बोल दिए, तो इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कॉपी पेस्ट कर दिए होंगे, है ना, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी होंगे जो क्या होगा, ठीक से उसको देख के किए होंगे, तो ये चाहिए। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए, चलिए क्या उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल, कि जैसे जैसे विकास, जैसे जैसे देश का विकास होता है, हम देख सकते हैं कि, बिल्कुल ठीक है, प्रेजेंट ऑफ माइंड होता है, हाँ, क्या उत्तर होगा भाई, ये बोल रहे हैं, और कोई भाई, क्या होगा, सभी लोग ये बोलेंगे, सभी लोग ये बोलेंगे, कोई गलत नहीं करेगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कॉपी पेस्ट किसी ने किया होगा, एक दो लोग होंगे जो धारा के साथ बह गए होंगे, अदरवाइज आपने ठीक किया, कहने का मतलब ये है ना, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि एग्जामिनेशन हाल में बहुत सारे लोग गलत करेंगे। यहाँ पे कलेक्टिवली रूप से आप कर रहे हैं तो हो सकता है कि थोड़ी आसानी हो गई, लेकिन एग्जामिनेशन हाल में बहुत सारे लोग गलत करते हैं। तो क्या उत्तर होगा भाई, ये बोल रहे हैं,
सभी लोग ये बोलेंगे एब्सोल्युटली सही भैया कि जैसे जैसे देश का विकास होता है हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का सापेक्षिक प्रतिशत योगदान घटता है। प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि का योगदान हो गया, वानिकी का योगदान हो गया, ये कम होता है, ठीक है। और द्वितीयक क्षेत्र क्या हो गया, उद्योग हो गया और सेवा क्षेत्र हो गया, इसका योगदान राष्ट्रीय आय में बढ़ता है। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम होना और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय आय में ज्यादा होना, यही जो है वो इंडिकेट करता है कि भारत एक विकासशील देश है। अगला प्रश्न, चलिए भाई क्या उत्तर होगा। भारत में कुछ बैंक में शाखाएं नहीं खोल सकेंगे। भारत में कुछ बैंक में शाखाएं नहीं खोल सकेंगे। भारत में थोड़ा ध्यान से पढ़िए, भारत में कुछ बैंक में शाखाएं नहीं खोल सकेंगे। कुछ किन बैंकों में आप शाखाओं को नहीं खोल सकते हैं, बेसिकली ये पूछ रहा है। चलिए बताइए, आपसे आराम से करिए भाई, जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, आराम से ध्यान से और प्यार से इस प्रश्न का उत्तर कर। बिल्कुल ठीक है। तो आपको पता है यहां पे क्या याद आना चाहिए, इसके बाद भारत में कुछ बैंकों में शाखाएं नहीं खुल सकता है। भारत में कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो अपनी अतिरिक्त शाखा नहीं खोल सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं ना, आपके शहर में क्या होता है, SBI, SBI की शाखा एक क्या होती है, SBI की एक शाखा जो है वो धूमनगंज में है, SBI की दूसरी जो शाखा है वो कीटगंज में है ना। तो एक ही शहर में बैंक की अलग अलग शाखाएं होती हैं कि नहीं होती हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कि भारत में कुछ बैंक ऐसे भी होते हैं जो कोई अपना अलग से शाखा नहीं खोल सकते हैं, बता दीजिए मुझे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। जितने लोग भी क्या बोलेंगे, जितने लोग भी सी बोलेंगे सभी लोगों का उत्तर गलत हो जाएगा, जितने लोग भी ए बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान आना था, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो की स्थापना हुई थी 1975 में हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों को ऋण उपलब्ध कराया जा सके, ठीक है। और जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं ना, इनके जो कार्य होते हैं वो सीमित होते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होते हैं उनके कार्य सीमित होते हैं, और इसका कार्य क्षेत्र क्या होता है, एक जिले तक ही सीमित होता है। इसका कार्य क्षेत्र एक जिले तक ही सीमित होता है दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन बस आपसे इतना जानना चाहता है कि कौन से ऐसे बैंक हैं जो अपनी और अलग शाखाएं नहीं खोल सकते, है ना। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में आप देखते हैं कि जिले स्तर पे एक बैंक का निर्माण किया जाता और केवल एक ही बैंक होता है, उस एक के अलावा और कोई शाखा नहीं खुल, है ना। तो वही बोल रहा है, बस छोटी सी बात। अगला प्रश्न है कि ओकुन का नियम संबंध बताता है। भैया ओकुन साहब को बताइए आप, बिल्कुल ठीक है। क्या कहते हैं, बेरोजगारी की दर अगर जो 1% बढ़ेगी, क्या बोले, डी बोले सभी लोग, बिल्कुल, बेरोजगारी की दर 1% बढ़ेगी तो समृद्धि में 2% की कमी आ जाएगी। कोई पता है कि नहीं, ठीक है, कि बेरोजगारी अगर जो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी जो है 1% बढ़ेगी, ठीक है, तो उस देश की समृद्धि में क्या होगा, 2% की कमी आ जाएगी। किसी को ये बात, किसको सच्ची सच्ची बताइएगा, याद आई थी जो बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ओकुन का नियम हमें ये बताता है कि बेरोजगारी और समृद्धि में क्या होता है, विपरीत संबंध देखने को मिलता है। क्योंकि अगर जो बेरोजगारी 1% बढ़ेगी तो उस राष्ट्र की समृद्धि में 2% की कमी आ जाएगी। तो
और जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये याद आना चाहिए, पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न ये रहा, बताइए कि कृषि नियोजन के बारे में क्या गलत है, कृषि नियोजन के बारे में क्या गलत है। अच्छा देखिए, बहुत सारे लोग हमारे ऊपर गुस्सा भी जाते हैं कभी कभी कि सर पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन लेके आते हैं, समझ में नहीं आता। देखिए मेरा कार्य बस इतना सा है कि आपको सच्चाई से अवगत कराया जाए। जो दवा जितनी कड़वी होती है वो दवा उतनी कारगर होती है ना। तो ये कड़वी दवा है आपके लिए। अगर जो इन स्तरों को आप मेंटेन कर लिए ना, तो आप कहीं लिख के रख लीजिए, इकोनॉमिक्स में कभी आप फंसेंगे नहीं, कभी भी नहीं फंसेंगे। अगर जो धैर्य और कंसंट्रेशन, अगर जो असफलता मिलेगी भी तो धैर्य और कंसंट्रेशन की वजह से मिलेगी, क्योंकि धैर्य और कंसंट्रेशन से आप एग्जामिनेशन हॉल में पेपर को सॉल्व नहीं करेंगे। असफलता इसलिए नहीं मिलेगी कि आपके ज्ञान में कमी रह जाएगी। ये 100% मान लीजिए कि जितना करवाया जा रहा है इतना बस कर लीजिए भैया, कहीं भी इधर उधर कुछ मत देखिए, कहीं भी इधर उधर कुछ ना देखिए। आप पेपर देके आइएगा, बताइएगा कि सर पेपर कैसा हुआ, है ना। तो इस बात को समझिए, क्या उत्तर होगा भाई कि कृषि नियोजन के बारे में क्या गलत है, क्या उत्तर होगा भाई। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल सही है कि भारत सरकार कृषि व खाद्य पर समस्त सब्सिडी अगले 5 वर्षों में समाप्त कर देगी। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भैया कृषि नियोजन के बारे में ये बात गलत है। जो क्या है दोस्तों, MSP की हम लोग बात करते हैं ना, ठीक है, ये उर्वरक बीज आदि के माध्यम, ठीक है, इन सारी चीजों पे गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध कराया है, तो ये खत्म नहीं किया जा रहा है, ये हमेशा बना रहेगा, है ना। तो डी बिल्कुल सही है। एकाधिकार आधारित है। अब इस प्रश्न को करके आप खुश हो सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर जी डी होगा, मूल्य स्तर के नियंत्रण पे, क्योंकि एकाधिकार ही होता है कि जैसी बात है वो अपने प्रोडक्ट को किसी भी कीमत पे बेच सकता है। कुछ लोग डी बोल देंगे, बहुत तेजी से बोलेंगे। क्यों बोलेंगे भाई डी, क्यों बोलेंगे? इकोनॉमिक्स पढ़ा है, पढ़ा है तो डी कभी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि पूर्ति पर नियंत्रण होता है कि हमको उत्पादन कितना करना है ना। पहले उत्पादन करेंगे तब ना कीमत आएगा, बाकी पहले कीमत आएगा फिर उत्पादन करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं, बच्चों वाली बात है। हमको क्या करना है, पहले उत्पादन करना, पहले हम पूर्ति कितना करें। तो अमूमन एक अधिकारी यही करता है कि जितना मांग रहता है उससे ज्यादा क्या करता है, उससे थोड़ी सी कम पूर्ति करता है, अपने प्रोडक्ट को हाई कीमत पर बेच सके। अगला प्रश्न, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार की कीमत को प्रभावित कर सकता है। चलिए सर की जो स्पेलिंग होती है वो SIR होती है ना, SAR नहीं होती है ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार की कीमत को प्रभावित कर सकता है। इजी सी बात है भाई, इजी सी बात है, कमेंट करके बताइए क्या उत्तर होगा भाई। सी बोलेंगे सभी लोग, ना हो ना ही क्रेता और ना ही विक्रेता, कोई गलत नहीं करेगा, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई गलत करेगा। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार की कीमत को प्रभावित कर सकता है ना ही क्रेता ना ही विक्रेता। तो कौन करता है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार में कीमत का निर्धारण, कौन करता है, कौन करता है? मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर उद्योग करता है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म का मांग वक्र होता है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, चलिए कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म का मांग वक्र क्या होता है। चलिए
इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए क्या उत्तर होगा भाई? सी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सी बोल रहे हैं। सबको पता होगा, किसको नहीं पता है भाई, किसको नहीं पता है? कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है? एक्स अक्ष के समानांतर होती है जिसका मांग लोच क्या होता है? अनंत होता है। ए आर इज इक्वल टू एम आर, ए आर इज इक्वल टू एम आर। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है। क्यों होता है? क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग जो प्राइस को निर्धारित करती है उस प्राइस पे क्या होगा, उस प्राइस पे एक फर्म जितनी चाहे वस्तुओं को बेच सकता है। अगला प्रश्न ये रहा, थोड़ा लाइक शेयर किया करिए, है ना? सभी लोगों से निवेदन है कि ये मत सोचिए कि ये लाइव स्टडी इलाहाबाद का जो यूट्यूब चैनल है वो मेरा है, ये जितना मेरा है उतना आपका भी है। तो सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए, निवेदन है सभी लोगों से, है ना? क्योंकि अगर जो आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो मतलब इतना लंबे समय से इतनी सारी क्लासेस में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ फिर भी सपोर्ट नहीं करते हैं, तो थोड़ी सी पता है क्या होता है, मुझे निराशा महसूस होता है, थोड़ा सा मुझे मैं डिसअपॉइंट होता हूँ। तो निवेदन है सभी लोगों से कि आप जरूर थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर किया करिए। बाकी हम लोग बहुत जल्दी 10,000 पे पहुंचने वाले हैं, 10,000 पहुंच जाएंगे तो फिर उसके बाद थोड़ा बहुत सेशन किया जाएगा आप सभी लोगों के साथ, है ना? चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर होगा भाई? डी सभी लोग बोल देंगे, डी सभी लोग बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी हिक्स की बात कर रहे हैं, मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक जो कौन थे, वो थे हिक्स। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कीमत में हुए परिवर्तन से मांग में हुए परिवर्तन की संवेदनशीलता को कैसे माप जाता है? चलिए, कोई एक हमारा स्टूडेंट है, उसने टेलीग्राम चैनल बनाया, टेलीग्राम चैनल में 100-200 लोग थे, तो हमसे बात कर रहा था, तो हमने कहा कि ठीक है थोड़ा एक दो वीडियो मेरा भी शेयर कर देना, लेकिन कभी उसने आज तक शेयर नहीं किया। और जब फ़ोन करता है तो जी सर हाँ सर खूब करता है, लेकिन मैंने कहा कि यार कम से कम 100-200 लोग हैं शेयर कर देना, कभी किया नहीं उसने। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि कीमतों में हुए परिवर्तन से मांग में हुए परिवर्तन की संवेदनशीलता को क्या बोलते हैं, है ना? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली ठीक होगा भाई, यही तो हम लोग पढ़ते हैं मांग की लोच के अंतर्गत। मांग की लोच में क्या होता है? जब वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन आता है तो उससे वस्तुओं की मांग में भी अनुपातिक परिवर्तन आता है। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लागत वक्र केवल उस समय पूर्ति वक्र होते हैं जब, और मैं पता है मैं जिंदगी में बहुत ऐसा नहीं हूं कि मैं जिंदगी में किसी के आगे बहुत झुकने वाला काम, है ना? ये मेरी एरोगेंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कोई क्या है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हम किसी के सामने झुक, लेकिन पता है कि इंसान को झुकना वहां चाहिए जहां पे झुका जा सके, है ना? बहुत सारे लोग जैसे बात भी होती है तो कुछ लोग ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे सर तो थोड़ा ज्यादा कन्वेंस करेंगे तो क्या होगा कि बातें ज्यादा ठीक होंगी, तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं रहा जिंदगी में, कभी मेरी लाइफ में ऐसा हुआ ही नहीं कि वो कन्वेंस करने के चक्कर में हम क्या करें कि उनसे बहुत ज्यादा मैं मतलब वो जिस तरीके की बात करना चाहे कर पाऊँ। तो इंसान को थोड़ा बहुत ये रखना चाहिए, होता है ना कि अब बहुत ज्यादा किसी के लिए जब आप अच्छे भी बन जाते हैं ना तो लोग आपका फायदा उठाने लगते। क्या उत्तर हो जाएगा? कि लागत वक्र केवल उस समय पूर्ति वक्र होते हैं जब, क्या होगा भैया? जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं एब्सोल्युटली ठीक है कि प्रतिस्पर्धा क्या हो, शुद्ध हो। ऑप्शन नंबर द्वारिका वर्मा जी, दिस इज योर लास्ट वार्निंग, है ना?
और आपसे मैं यही निवेदन करूंगा कि पढ़ाई करने आए हैं पढ़ाई कर दीजिए, और शब्द क्या लिखना है इसको देख लीजिए, कुछ ले देकर निपटा दीजिए। इसका क्या मतलब है द्वारिका जी, इसका क्या मतलब है कुछ ले दे के निपटा दीजिए? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ आपकी भाषा शैली अच्छी लग नहीं रही है, आप लोगों से भी बात कर रहे हैं तो ठीक तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, आपकी जो भाषा शैली है वो बेहतर नहीं है, या अगर जो जिंदगी में अभी तक बेहतर नहीं बनाए हैं उसको बेहतर बनाइए, है ना? और अगर जो बेहतर है और उसके बाद भी ये सब भाषा लिख रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, है ना? तो आपकी ये लास्ट वार्निंग है, कभी भी अब आज से अगर जो किसी को भी गलत तरीके से आप कमेंट किए या कुछ भी ऐसा कमेंट किए जो आप रिलीवेंट नहीं होगा तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, है ना? हालांकि आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा में चलना होता है, सबको चलना होता है, हमें भी चलना है, आपको भी चलना है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि एक सीमांत फर्म वह होता है जो, एक सीमांत फर्म वह होता है जो, इस प्रश्न का उत्तर करिए, एक सीमांत फर्म वह होता है जो, सीमांत फर्म क्या होता है भैया बता दीजिए मुझे, ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ये बोल रहे हैं एब्सोल्युटली ठीक है, ये बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि एक सीमांत फर्म वह फर्म होता है जब उसको उतना ही कीमत मिले कि वो उद्योग में बना रह सके, लेकिन अगर जो उससे भी कम मूल्य उसको मिलेगा, उससे भी कम कीमत उसे मिलेगी, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, उद्योग छोड़ करके भाग जाएगा, है ना? तो एक सीमांत फर्म वह है जो मूल्य के गिरने पर सबसे पहले उद्योग छोड़ के क्या हो जाएगा, रफू चक्कर हो जाएगा, भाग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कीमत निर्धारण में समय तत्व को महत्व दिया, कितने भागों में विभाजित किया, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये तो सबको पता होगा कि सर जी मार्शल ने किया, सबसे पहले मार्शल ने कहा था कि क्या करना है कि जब वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण होता है तो उसमें समय भी महत्वपूर्ण होता है, ये बात तो मार्शल ने कही थी, लेकिन कितने पीरियड की बात की थी, जो समय है उसको कितने भागों में विभाजित किया था, तो चार भागों में विभाजित किया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। अति अल्पकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल और अति दीर्घकाल, चार भागों में विभाजित किया था, ये प्रश्न पूछा जाता है, कितने भागों में भैया, चार भागों में। ऑप्शन नंबर डी सी दिस इज द राइट आंसर। अगला, किन्स के अनुसार वियोक्ता बॉन्ड की अपेक्षा मुद्रा को अपने पास रखना पसंद करेंगे जब वे उम्मीद करते हैं, क्या उम्मीद करेंगे भैया, बच्चों वाली बात है, कोई गलत तो करेगा नहीं, तो रुकने की जरूरत है क्या यहाँ पे, रुकने की जरूरत है क्या यहाँ पे, अति अल्पकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल, अति दीर्घकाल, एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई, बिल्कुल ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग पता है क्या करेंगे, बहुत सारे लोग जैसा कि कौन कर रहा है, अनिर्भान जी, विकास जी, तस्नीम जी, वैभव जी, शोभा जी, सभी लोग कर रहे हैं बिल्कुल। किन्स के अनुसार विनियोक्ता बॉन्ड की अपेक्षा अपने पास मुद्रा अपने पास रखना पसंद करेंगे जब वे उम्मीद करते हैं कि ब्याज की दर में क्या आएगी, वृद्धि होगी, बिल्कुल ठीक है। जो विनियोक्ता होता है वो क्या सोचता है, यही तो सोचता है ना कि चलो यार आज ब्याज की दर ज्यादा नहीं है, हम पैसा अपने पास रखेंगे, बॉन्ड अपने पास रखेंगे, और भविष्य में चल करके जब ब्याज दर में क्या होगी, वृद्धि आएगी, तब हम क्या करेंगे, इस पैसे को मार्केट में निकालेंगे। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न बिल्कुल ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर होगा भैया, चलिए
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। इंसाब ब्याज की दर और बांड में क्या बताते हैं, विपरीत संबंध बताते हैं, ये बात पता होगी, आसान से कर पाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसान है। नमक होता है। निम्नलिखित में से किसकी मांग की कीमत लोच सबसे कम होती है, तो सबसे कम किसकी होती है, नमक की होती है। एब्सोल्युटली ठीक है। क्यों होती है भैया? क्योंकि नमक जो आपकी आय है उससे नमक को कंपलसरी खरीदना है। नमक अगर जो 1 रुपए का हो जाएगा, 100 रुपए का भी हो जाएगा, तो नमक आप उतना ही उपभोग करेंगे। नमक 1 रुपए का हो जाएगा तो भी आप उतना ही उपभोग, ऐसा नहीं है कि महंगा है और सस्ता होगा तो आप नमक के उपभोग को कम या ज्यादा कर सकते। हर स्थिति में उतना ही आपको नमक लेना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोग कई केजी नमक खरीद करके 1 रुपए केजी हो जाएगा तो वो बांट देंगे, फिर बाद में कहेंगे तुमने हमारा नमक खाया है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए, कि एक देश द्वारा आयात कर लगाने से उपभोक्ता की बचत पर क्या असर पड़ेगा? चलिए, बिल्कुल ठीक है, बी बोलेंगे सभी लोग, बी बोल रहे हैं सभी लोग, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली ठीक है। कि एक देश द्वारा आयात कर लगाने से उपभोक्ता की बचत पर क्या असर पड़ेगा? कम हो जाएगा। अगर जो देश आयात पे कर लगाएगा तो ऐसी स्थिति में वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। जब वस्तुएं महंगी हो जाएंगी भैया, तो इजी सी बात है कि बचत में कमी आएंगी। व्यय योग्य आय किसके बराबर होती है? व्यय योग्य आय बराबर होती है किसके बराबर होती है भाई? चलिए चलिए, कि व्यय योग्य आय बराबर होता है किसके बराबर होता है? आप जो आय होता है, एक होता है मौद्रिक आय। मौद्रिक आय क्या होता है? मौद्रिक आय है ना, ध्यान से देखिए। मौद्रिक आय मान लीजिए कि आपको जब पीजीटी की नौकरी मिलेगी तो उसमें आपकी सैलरी निर्धारित की जाएगी कितना, 70,000 रुपये, ठीक है, 70,000 रुपये। लेकिन उसमें से क्या हो जाएगा, 2-4-5 हज़ार रुपये दोस्तों कट जाता है, जो बाद में चल के आप रिटायर होते हैं तो आपको मिलता है। तो आपके हाथ में कितना पैसा आएगा, 70 की जगह पे मान लीजिए 5,000 कट जा रहा है, तो 65,000 रुपये आपके हाथ। तो आपकी मौद्रिक आय कितनी है? मौद्रिक आय 70,000 रुपये है, लेकिन व्यय योग्य आय 65,000 है। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में ये 65,000 रुपये ही आ पा रहा है, इससे ज्यादा नहीं आ पा रहा है। तो व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत प्रत्यक्ष करके। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली दोस्तों आपकी बात 100% ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करेगा? ये भी प्रश्न बहुत ईजी सा है, लेकिन गलतियां बहुत सारी होती हैं। कि निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करेगा? तो भाई बताइए, की बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। गुणक को पढ़ा है, आरिफ कौहन को और किसको? गुणक को पढ़ा होगा, जानते होंगे, आरिफ कौहन, रोजगार गुणक और निवेश गुणक। किस कौन बात करता है? किन साहब क्या कहते हैं कि जब निवेश में वृद्धि की जाती है तो राष्ट्रीय आय में के गुना वृद्धि आ जाती है, ठीक है। क्या उत्तर होगा? डी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली ठीक है। कि निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करेगा? तो भैया जब विनियोग बढ़ेगा, तो विनियोग जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि आएगी, बिल्कुल ठीक है। निवेश गुणक के अंतर्गत किन साहब यही तो कहते हैं ना कि जब विनियोग में वृद्धि की जाएगी तो राष्ट्रीय आय में के गुना वृद्धि होगी। के इज इक्वल टू डेल्टा आई और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ये बात करते हैं। अगला, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान निम्नलिखित में से किसने लगाया था? ये तो इजी सा प्रश्न हो गया, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, सबको पता होगा है ना, राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने लगाया था।
अगला प्रश्न कि वास्तविक आय, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जब, थोड़ा तेजी से मूव करेंगे क्योंकि 9 बज चुका है और पॉलिटी वाले सर की क्लास होगी, तो वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि कब होगा भैया? वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि कब होगा? तभी तो होगा जब कुल उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, कुल उत्पादन में वृद्धि होगी। कुछ लोग डी बोलेंगे, डी क्यों बोलेंगे? लोगों की बचत बढ़ेगी, तो बचत बढ़ेगी तब कैसे वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि आएगा। अच्छा, पिछले प्रश्न की बोल रहे हैं, बिल्कुल। अब जितने लोग भी बोल रहे हैं, 20 ठीक है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि तब की जाएगी जब अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण रोजगार की प्राप्ति में बाधक है? पूर्ण रोजगार की प्राप्ति में बाधक कौन सा है भाई? पूर्ण रोजगार की प्राप्ति में बाधक कौन सा है? थोड़ा तेजी से मूव करेंगे भाई। बिल्कुल ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, गैर लोचशील ब्याज की दर है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, क्यों? गैर लोचशील ब्याज दर की बात करेंगे दोस्तों तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेरोजगारी ऐसी स्थिति में क्या होगी? अस्थायी होगी। बिल्कुल ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे, थोड़ा तेजी से मूव करते हैं। इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? अब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो कहेंगे सर जी इकोनॉमिक्स तो बहुत इकोनॉमिक्स की ही तो पुस्तक हम लोग पढ़ते हैं। कई लोग इसमें ढूंढने लगेंगे कि सर एसएन लाल की, तो सर एसएन लाल का तो ऑप्शन नहीं दिया है, कहीं झिंगन साहब का तो ऑप्शन नहीं दिया है। चलिए भाई बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कि इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? क्या उत्तर होगा भाई? तो जितने लोग भी इसकी बात बोल रहे हैं, सैमुएलसन साहब की बात बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली 100% राइट बोल रहे हैं कि ये जो इकोनॉमिक्स पुस्तक है इसके लेखक जो हैं वो पी एस सैमुएलसन साहब हैं। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न सही हुए। और दोस्तों हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास हो रही है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है। यहाँ पे यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच और झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैचेज चलाए जा रहे हैं। अगर यहाँ पे आपको ए टू जेड इकोनॉमिक्स से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, अगर जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो ऐसे स्थिति में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के कम्प्लीट नोट्स भी यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं, ताकि आप नोट्स पढ़िए, देख पाइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जामिनेशन में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, टेस्ट दीजिए, अपना इवैल्यूएशन करिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, करेंट, सब कुछ मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है और वैलिडिटी आप कोर्स आपकी लाइफ टाइम है। इट मीन्स एक बार एडमिशन लेते हैं तो आप हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपये है, 2000 रुपये आप क्वेश्चन नंबर। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया झारखंड टीजीटी पीजीटी का भी बैच चल रहा है, वीडियो क्लासेस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और झारखंड स्पेशल की मेरी जिम्मेदारी है, सब कुछ कवर होगा। कहीं भी अलग से इधर उधर से कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपये है, 2000 रुपये आप क्वेश्चन नंबर पे पेमेंट करना होगा 9415868773 पे। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीन शॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। अलग से अगर जो आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी अवेलेबल है, टेस्ट अलग से चाहिए तो टेस्ट भी अवेलेबल है। और अब तो सभी सब्जेक्टों का टेस्ट सीरीज आपको कल से मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट का अगर जो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कल से आपको टीजीटी पीजीटी में जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा दिए जाएंगे, है ना। चलिए बिल्कुल ठीक है, तो चलिए आज तो आप लोग के कमेंट को मैं पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों।